दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। हस्त मैथुन करने से ये पांच बीमारियां होती है। दोस्तों हस्त मैथुन क्या चीज़ है, आप लोग इसे भली भांति परिचित होंगे, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना बताऊंगा कि हस्त मैथुन करने से क्या नुकसान होता है, क्या क्या बीमारियाँ होती है। दोस्तों ऐसे तो हस्त मैथुन करने से बहुत सारी बीमारियाँ होती है जो आपके सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, लेकिन पांच बीमारियां मोस्टली मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं, तो आप लोग भविष्य में किसी गहरे संकट में पड़ सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या शुरू हो जाती है। शादी के बाद आपको पछताना पड़ता है, नसें कमज़ोर हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं, उनमें भरपूर तनाव नहीं आता, अतः पारिवारिक सुख का भरपूर मज़ा नहीं ले पाता, जिसकी वजह से आपके परिवार में तनाव झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इसका बीमारी सिर पतंग की बीमारी लग जाती है, ऐसे लोग सिर पतंग के शिकार हो जाते हैं, इसका खमियाजा शादी के बाद भुगतना पड़ता है। दिल की कमजोरी और घबराहट, दोस्तों जो लोग हमेशा हंस मसन करते हैं उन्हें दिल की कमजोरी हो जाती है, हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं, और उनके अंदर घबराहट यानी डर भय चिंता यह घेर लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वो हताशा निराशा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये भी एक प्रमुख रोगों में से एक है। चौथी बात है दोस्त शारीरिक कमजोरी, यानी ऐसे लोगों की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, कहीं कैल्शियम ज़्यादा क्षय होता है, ये मतलब क्षय होता है, शरीर में कमजोरी वीकनेस, चलने में थकान महसूस होना, सुबह उठने में थकान महसूस होना, चेहरे पे जल्दी से जल्दी झुर्रियाँ आ जाना, आँखें धस जाना, रोशनी भी धुंधला दिखाई देना, काम करने में मन नहीं लगना, बात बात पे लोगों पे झल्ला जाना, गुस्सा करना, ये सब बीमारियाँ आम है, तो इससे सारी कमजोरी होती है, अतः आप इससे बचने की कोशिश करें। दोस्तों पाँचवें नंबर में बीमारी होती है, जो लोग हमेशा हस्त मैथुन करते हैं उनके लाइफ में ब्लड शुगर होने का खतरा जल्दी आ जाता है, यानी ऐसे लोग गारंटी है कि आगे चल के बहुत ही जल्दी, मतलब सामान्य उम्र से पहले ही उन्हें ब्लड शुगर बीमारी लग जाती है, ये गारंटी है लग जाती है, तो आप इससे दूर रहें। यदि आप अपने जीवन को सुखमय चाहते हैं तो हस्त मैथुन से परहेज करें, ब्रह्मचर्य पालन करें, आप इन सब नुकसानों से बन जाएंगे, समझ गए। यदि आप लोगों को मेरा सलाह अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।